उम्मलत्तूर राजीव का प्रणाम स्वीकार करें। ट्रूथ ऑफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं एक नया जादू लेकर के आया हूं। सबसे पहले मैं वो जादू आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जादू की तरफ चलते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तीन ऑप्शंस आएंगे जिसमें ऑल को सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे। अब इस जादू का रहस्य की ओर चलते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको ऐसा तीन ड्रॉप चाहिए एक ही बराबर का। पहले ये तीनों को अलग अलग दिखा दीजिए। इसमें से एक ड्रॉप को पहले लीजिए और ऐसा गांठ लगा दीजिए। गांठ लगाने के बाद इसको दाहिने हाथ में रख दीजिए, दूसरा ले लीजिए, इसको भी गांठ लगा दीजिए। जब तीसरा प्रोप लेते हो तो इसका एक अलग टाइप का गांठ लगाना है आपको। ऐसा रख दीजिए और इसको ऐसा मोड़ कर ले लीजिए। ऐसा मोड़ते ही इसको थोड़ा लेफ्ट साइड में घुमा दीजिए इसे, और इसको लेकर के जो हम नॉर्मल गार्ड लगाते हैं उसी तरह से इसको ले लीजिए और इसको कस लीजिए इसे। अब ये इस तरह से गार्ड लगाने से क्या है इसमें फर्क, ये जो रस्सा है ये इस तरह से इसके अंदर फ्री आर पार हो जाएगा। इसको पूरा खींचने से ये बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से गांठ लगाना है। एक बार और बता देता हूँ, नॉर्मल गांठ जैसे मारता है वैसे इसको लेकर के ऐसा ले लीजिए और इसको एक बार ऐसा घुमा दीजिए ऐसे। उसके बाद दूसरा गार्ड जैसे हम नॉर्मल लगाते हैं वैसे ही लेकर के इसके अंदर से ले लीजिए इसको।
ऐसे। अब तीनों में गांड लगा दिया, ये स्पेशल गांड लगाया हुआ है। तो ये जो नोट है इसको अब देखेंगे तो देखेंगे कि ये वाला इस तरह आर पार जा सकता है। तो इसको क्या करना है, इसको बाएं हाथ में लेना है, ये जो नोट हाथ में होना चाहिए, और ये उंगली यहाँ पर रख दीजिए इस एंड के और रस्से के बीच में, ये उंगली रख दीजिए और अंगूठे से इसको ऐसा लगा कर रखिए जैसा कभी भी चाहे आप कंट्रोल कर सके इसको। अब इसके अंदर से एक रस्सा ले लीजिए, इस उंगलियों में डाल दीजिए, दूसरा लिया, इसको भी उंगली में लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ को एक बार ऐसा घुमाना है ऐसा। तो क्या करो, ये अंगूठे से ये रस्सा इसके पीछे की तरफ ऐसा ले आइए, और इस उंगली से ये दोनों उंगलियों के बीच में पकड़ करके इसको लेकर के इकट्ठा कर दीजिए इसे, इस तरह से आ जाएगा। अब ये उंगलियों से इसको सपोर्ट दे दीजिए थोड़ा, और ये जो दो रस्सा है इसको पकड़ करके ऐसा खींच लीजिए पीछे की तरफ। थोड़ा सा खींच लेते हैं तो एक रस्सा छोड़ दीजिए, ऐसा गांड आ जाएगा। और ये थोड़ा लूज रह सकता है, इसलिए क्या करो, तुरंत इसको थोड़ा सा टाइट कर दो और इसके अंदर उंगली डाल करके इसको ऐसा पकड़ लो और इसको लेकर के दिखा दो इसे।